चुके हैं और न्यूज वन इंडिया के खास प्रोग्राम भारत एट नाइन के साथ हाजिर हूं मैं काजोल नारायण। तबाही का मंजर देश के हर कोने में देखने को मिल रहा है। चिताओं के ढेर पर कोरोना हावी होता चला जा रहा है और मौत का हर मंजर अपनी अलग कहानी कह रहा है। देश के हुक्मरान भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर कोरोना को मात देने के लिए कौन सी गोटी फेंकी जाए। लोग मर रहे हैं, कोई ऑक्सीजन की कमी झेल रहा है तो कोई सांसों की कदम ताल में अपनों को तलाश रहा है। ये कोरोना की आग में धधकती तस्वीरें एक बार फिर 1918 में फैले फ्लू और 2003 में सार्स महामारी की याद दिला रही है। उधर कोरोना की मार से पूरा कानपुर भी कराह रहा है। कानपुर के एक शमशान घाट की बात अगर करें तो तस्वीरें बेहद ही हैरान कर देने वाली है। कोरोना ने वहां के लोगों में इतनी दहशत भर दी है कि लोग शवों को शमशान घाट में ही छोड़कर चले जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें। चौदह मिट्टी लाशें, डेड बॉडी ग्रेवी यार्ड में पड़ी थी। हमारे पास मजदूर बीमार हो गए, कमज़ोर हो गए, चोटें लग गई। हमने बाहर से ठेके पे लेबर्स को बुलाकर 1:30 बजे रात तक ये डेड बॉडी गाड़ी है, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ। ज़्यादा ज़्यादा 5 से 6 बजे तक ये डेड बॉडी गाड़ी जाती है, लेकिन मैं खुद 1:30 बजे तक वहाँ पर मौजूद होकर मैंने डेड बॉडी गाड़ी। तो आपको बता दें कि 15 से 17 दिनों में करीब करीब जो रेशियो महीने में 10 मिट्टियों का रहता था, 15 से 17 दिनों में हमने कम से कम 60 मिट्टी गाड़ी है। आज 5 मिट्टी फिर गाड़ रहे हैं हम, तो ये तो एक अद्भुत है। और आज तक क्रिश्चियंस कम्युनिटी में कानपुर के अंदर ग्रेवी यार्ड में ऐसा मंजर कभी देखा नहीं गया है। और इससे पूरा माहौल, हम सब का जो माहौल है वो बहुत डर से और भय से हम लोग जी रहे हैं। सबसे पहला मैं जो शब्द अब पूछने लगा हूँ वो ये पूछता हूँ, कॉज ऑफ डेथ, आखिर जो मरा है व्यक्ति उसका मरने का कारण क्या है। तो लोग जो बता रहे हैं इस समय कि वो, अरे वो निमोनिया था या चेस्ट में इन्फेक्शन था। आपको बता दें, निमोनिया और चेस्ट में इन्फेक्शन, उसके बाद उसकी रिपोर्ट देखी जाती है तो नेगेटिव आती है। तो मैं कैसे मान लूँ कि ये कोविड से व्यक्ति नहीं मरा है, लेकिन जबकि डॉक्टरी रिपोर्ट जो सर्टिफिकेट होता है मेरे सामने आता है, कार्डियो अरेस्ट का आता है, हमको मजबूरन लेनी पड़ती है। लेकिन इस बात को मैंने साफ अपने क्या काम करने वालों से कह दिया है कि कोई भी निमोनिया की या चेस्ट इन्फेक्शन की अगर कोई मिट्टी आती है तो हम बिल्कुल उसको उसी ढंग से दफनाएंगे जैसे कोविड को दफनाया जा रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कोई इन्फेक्शन हमारे वहाँ पे जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको हो सके। कोरोना के भैरव घाट शवदाह की बात करें तो 60 से 70 शव प्रतिदिन आते हैं और बहुत से परिवार तो शव को शमशान में ही छोड़कर चले जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से संक्रमण से 18 मौतें हुई हैं। वहीं सोमवार को भैरव घाट विद्युत शवदाह गृह में 72 शव पहुंचे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भैरव घाट विद्युत शवदाह गृह में 72 शव, भैरव घाट शमशान घाट में 95 शव, भगत दास विद्युत शवदाह गृह में 3 शव, स्वर्ग आश्रम में 91 शव, भगवत दास शमशान घाट में 34 शव, बिठूर में 101 शव, सिद्धार्थनाथ घाट में 45 शव, दियोड़ी घाट में 60 शव, नजफगढ़ में 28 शव, सफीपुर नागापुर डोमन घाट में 16 शव पहुंचे। वहीं शहर के प्रमुख कब्रिस्तानों में 62 जनाजों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। पूरे भारत की अगर बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,23,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज किए गए। मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान 2,771 लोगों की मौत हुई है। हालांकि ये आंकड़े सोमवार को जारी आंकड़ों से कम है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ फोन पर वार्ता की। अमेरिका ने भारत को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एड्हानोम गेब्रेयेसस ने चिंता जताते हुए कहा है कि भारत की स्थिति हृदय विदारक है। दरअसल सोमवार को मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उनकी बाइडेन के साथ उपयोगी बातचीत हुई। हमने दोनों देशों में कोविड की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की।
मैंने भारत को अमेरिका द्वारा प्रदान किए जा रहे समर्थन के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बाइडेन के साथ बातचीत के दौरान टीकों संबंधी कच्चे माल, दवाओं की सप्लाई चेन की महत्ता को भी रेखांकित किया गया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारत और अमेरिका की साझेदारी से कोविड-19 की वैश्विक चुनौती से निपटा जा सकता है। वहीं कोरोना की बढ़ती महामारी के बीच बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पटना हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ इस मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। राज्य सरकार को आज कोरोना को नियंत्रित करने के लिए की गई कार्रवाई का रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। सुनवाई भोजनावकाश के बाद होगी। कोरोना के बेकाबू होते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को किसी भी स्थान में एक सप्ताह तक 10% तक पॉजिटिविटी रेट रहने पर कंटेनमेंट जोन बनाने को कहा। साथ ही लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्य को दे दिया गया है। इसके अलावा केंद्र ने राज्य को अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग प्रतिबंध लगाने को कहा है। वहीं यूपी की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 32,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 30,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,00,000 से ज्यादा है। कल प्रदेश में 1,00,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच भी की गई। तो आपने देखा कि देश में कोरोना महामारी की वजह से किस तरह के हालात हैं। सरकार हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, पुलिसकर्मी हो या फिर राज्य सरकारें हो, तमाम सरकारें लगातार कोशिश की जा रही है कि इस महामारी से भारत जीते। भारत एट 9 में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हम लौटेंगे एक और कड़ी के साथ। नमस्कार।